है आपका वैलेंटाइन डे। ओ माय गॉड, उफ मुझे शर्म आ रही है। बता दीजिए यार, नाम ही बता दीजिए। नाम बता दूं मैं? हाँ यस। तो फिर आप सुनने को तैयार है? हाँ। कौन है वो लकी मैन? सनी लियोनी। ये क्या होता है, बहन हो गई भाई। ना ना ना, अच्छा वो लड़की है, मुझे लगा कि लड़का है यार। हेलो, लड़के होना चाहिए ना। देखिए, मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, मेरा काम है, मेरा काम और मेरे जितने फैंस है, फ्रेंड है, वही मेरी मोहब्बत। अच्छा, बीफा भोजपुरी अवार्ड लखनऊ में हो रहा है। बीफा भोजपुरी अवार्ड लखनऊ में हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ स्पेशल जानकारी देंगे दर्शकों को? इसमें भोजपुरी के बहुत सारे आर्टिस्ट आ रहे हैं, भोजपुरी भी आ रहा है, मतलब बॉलीवुड भी आ रहा है और हमारा भोजपुरी वुड भी आ रहा है, तो कंबाइंड आर्टिस्ट वहाँ पे सब आ रहे हैं। हिंदी के आर्टिस्ट, भोजपुरी के सुपरस्टार, हीरो हीरोइंस आ रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, काफी लोग आ रहे हैं। तो नो डाउट ये अवार्ड होने वाला है बहुत ही ज्यादा मस्त, धमाकेदार। तो मैं चाहूंगी कि मेरे जितने फैंस और ऑडियंस है, वो 26 को जो अवार्ड हो रहा है उसको जरूर देखें। लाइव उसी दिन हो रहा है ये अवार्ड, सेम डे या फिर बाद में शायद लाइव होगा? जब भी होगा मैं अपने इंस्टा पे FB पे अपलोड करूंगी कि लाइव कब ये, मतलब जो हमारा अभी हो रहा है अवार्ड शो, ये कब आएगा। डेफिनेटली मैं पोस्ट करके अपनी जितनी भी ऑडियंस है, जितने फ्रेंड है, फैंस है, सबको बताऊंगी। यूपी में इलेक्शन है और यूपी में इलेक्शन है या यूपी में इलेक्शन बिल्कुल यूपी में क्या बात यूपी में रवि किशन जी, योगी जी, बात नो डाउट। रवि जी के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी और नो डाउट उनकी मेहनत दिख रही है। तो मैं रवि किशन जी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी, योगी जी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहूँगी और एंड और मेन तो ये, बस सरकार काम करे, कोई भी हो यूपी का भला करे और उनको यूपी को आगे बढ़ाए। तो मैं बस यही चाहूँगी कि सरकार से ये अपील है, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा आए, और क्योंकि अभी ये इस लॉकडाउन के बाद में ये समस्या बहुत है। तो बस मैं यही चाहूँगी जितने भी लोग वहाँ पे बेरोजगार हैं, रोजगारी मिले। मनोज तिवारी जी भी स्टार प्रचारक में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पंजाब मनोज तिवारी जी नो डाउट सुपर है वो, और वो तो बहुत मेहनती हैं। जैसे रवि जी मेहनत कर रहे हैं, वैसे मनोज जी भी यूपी के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे जाके वो प्रचार कर रहे हैं। और नो डाउट जो दोनों के सॉन्ग आए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एकदम पावरफुल एनर्जेटिक आए हैं। तो नेहा के लिए क्या कहेंगे? नेहा उल्टा, नेहा सिंह राठौड़ के बारे में क्या कहेंगे? नेहा सिंह राठौड़ जी का मैंने कुछ नहीं सुना, गाना नहीं सुना। यूट्यूब में काबा जो उन्होंने निगेटिव उस बोला है साइकिल की तरफ, मैंने अभी तक देखा नहीं है उनका, उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं ठीक है बोला है, तो मैं उनके लिए कुछ कैसे कहूंगा। मैंने देखा होता तो मैं कुछ भी बोलती उनके लिए, तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, मेरी एक चीज है कि आप अच्छाई का साथ दो, बुराई का। और दूसरी एक सवाल है, हाँ आपको उसके खेसारी जी के साथ में नेपाल में घटना हुआ था उनका, हाँ। जो उसके बारे में आप लोग सामने के एकदम खुल के खेसारी का साथ नहीं दिए? खुल के साथ में है हम लोग, ऐसा नहीं है कि हमने साथ दिया नहीं। वो जो घटना हुई है बहुत शर्मिंदगी वाली है। एक आर्टिस्ट अगर दूसरे देश में जा रहा है तो वहाँ पे उसकी इज्जत होनी चाहिए, सम्मान। वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है उनको सोचना चाहिए, इंडिया से कोई आर्टिस्ट उनके लिए आ रहा है और वहाँ पे शर्मनाक, मतलब शर्मनाक जो हरकत हो रही है वो बहुत गलत है। जो भी खेसारी जी के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था, तो हम उनके एकदम साथ में हैं। और आर्टिस्ट चाहे इंडिया में परफॉर्मेंस करे या आउट ऑफ इंडिया करे, कहीं भी करे, जितनी भी ऑडियंस है, प्लीज़ उनसे एक ही वो रिक्वेस्ट है, आर्टिस्ट सिर्फ प्यार का भूखा होता है, उनको आप तालियों से इज्जत दो, सम्मान दो। ये कुछ मतलब नहीं होता कि कभी कुछ झगड़ा लड़ाई ये सब क्यों हो रहा है। और कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजर की भी, इसमें ऑडियंस की अकेले की गलती नहीं होती, ऑर्गेनाइजरों की भी होती है मिस्टेक। तो मैं ऑर्गेनाइजर्स ऑडियंस से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोगों का जो भी कुछ मसला हो वो आर्टिस्ट के ऊपर उसकी भड़ास निकाले नहीं, वो चीज़ गलत है। क्योंकि अभी तो हम लोग फिर भी आ जाते हैं, यूपी में कभी शो होते हैं, लंदन में होते हैं, सिंगापुर में होते हैं या इंडिया में कहीं भी होते हैं, तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है कि चलो ठीक है, हमारी ऑडियंस हमको इतना प्यार करती है तो हम लोग आते हैं। अगर ऐसी एक दो घटनाएं और हो गई, कुछ घटनाएं, तो फिर आर्टिस्ट शायद परफॉर्मेंस करने से पहले, अभी आने जाने से पहले सोचे। अभी लंदन जा रही है? हाँ, जाने का तो हो रहा है, अभी 28 का है, अभी देखते हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, परशुराम अभी नेक्स्ट मंथ रिलीज होगी, सुंदरी आ रही है, दो दो पिक्चरें हैं, एक का शेड एकदम अलग है, परशुराम पिक्चर एकदम अलग है, और जो सुंदरी है वो हॉरर प्लस रोमांटिक मूवी है, तो दोनों की शेड बहुत अलग अलग है। तो नो डाउट और भी कई पिक्चरें आ रही हैं, बट अभी तो ये दो पिक्चरें जो अभी बैक टू बैक आ रही हैं। हम लोग अब बीफा अवार्ड में अमरीश जी भी परफॉर्म कर रहे हैं, अमरीश जी को मैं बुलाना चाहूंगी। अमरीश जी हाजिर हो, हाय।
हाय, ये अमरीश जी मेरे साथ में है और ये नो डाउट गोरा है कि काला है? अरे यार दिलवाले दिलवाले है, जो गोरा है वो काला हो, दिलवाले बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे आर्टिस्ट जो एक्टर होता है वो थोड़ा सावला अच्छा लगता है। क्या पसंद है अमरीश जी आपको, क्या पसंद है? जैसे सुधीर जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, और बुरा हो या काला हो दिल उसका दिलवाला होना चाहिए बिल्कुल, और कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसके वर्क और उसकी ईमानदारी से ज्यादा फर्क पड़ता है, तो अपने काम में कितनी ईमानदारी रखता है। बीफा अवार्ड के बारे में क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जो भारत इंटरटेनमेंट का फिल्म अवार्ड हो रहा है, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा क्योंकि पहली बार इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है जो कि लखनऊ में होने जा रहा है। अभी हिंदी और भोजपुरी का एक जोरदार तड़का है, तो बिल्कुल हम लोग उस तड़के को इतने जोरदार ब्लास्टिंग की तौर पे मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे दिखाएंगे कि लोग खूब पसंद करेंगे और शायद खूब धमाल भी होगा। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सुधीर जी, मैं और इत्यादि, पाखी जी हैं, खेसारी जी हैं, रवि जी हैं, मनोज जी, इत्यादि सारे हमारे को आर्टिस्ट और सीनियर से लेकर सभी रनिंग एक्टर और एक्ट्रेस हैं, तो मैं सभी को, सभी लोग डे बाय डे मेहनत कर रहे हैं, मैं भी इसी तरह अपने कार्य में लगनशीलता के साथ मेहनत कर रहा हूं और चाह रहा हूं कि एक अच्छा परफॉर्म और लोगों को पसंद आए। अच्छा हिंदी में तो सनी लियोनी है, तो उसको चैलेंज देने के लिए उनके बारे में आप ही कुछ बताइए ना, कैसे कैसे देंगे चैलेंज? चैलेंज देखिए, वहाँ पे हम लोग कंपटीशन करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अवार्ड शो के अंदर जा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सबका परफॉर्मेंस अच्छा हो, फिर चाहे बॉलीवुड वाले हो चाहे भोजपुरी वाले हो, सब एकदम जम के डांस करें और एकदम अवार्ड शो बहुत हिट टू हिट हो, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कंपटीशन करने नहीं जा रहे। जब कंपटीशन की बात आएगी तो हम दिखा देंगे हम क्या है। अमरीश जी कल एक नया चैनल लॉन्च है MH1 दिल से, कुछ कहेंगे? शुभकामनाएं देंगे हम लोग ढेर सारी उनको, MH1 को, MH1 दिल से भोजपुरी, MH1 दिल से भोजपुरी चैनल को, क्योंकि चैनल की बहुत जरूरत है, क्योंकि चैनल पे ही हम दिखते हैं, तो खुद ही इस चैनल को ढेर सारी बधाई हो और खूब 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 फिल्में हमारी सुधीर जी की और इत्यादि सारे एक्टरों की फिल्में उस पे दिखाएं और लोग चैनल पसंद करें। और बिल्कुल एक पुराना कंपनी है, बहुत पहले से रह चुका है, अभी सेटेलाइट दौर में आ रहा है, तो इनकी सफलता एकदम कामयाबी के तौर पे बदले, हमारी यही शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक MH दिल से भोजपुरी चैनल को हमारी ओर से, थैंक यू सो मच।